हाय गाइस, मेरा नाम है रितेश और मैं ETU स्टूडियो रेड कार्पेट पे मैनेजर की जॉब करता हूँ। और जैसा कि तुम सबने देखा होगा कि बहुत सारी कार्स की जब डिलीवरी होती है तब उस पर पार्टी पॉपर्स उड़ाए जाते हैं, शैम्पेन उड़ाई जाती है। तो उससे होता क्या है, अगर कार का जो कलर है वो लाइट हो, यानी अगर एक वाइट कलर की बात करो एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके ऊपर जो पार्टी पॉपर्स है और वो शैम्पेन है, जब वो उस पर काफ़ी देर तक रह जाते हैं तो वो अपने जो है कलर्स गाड़ी के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे इवेंचुअली जो पेंट है वो उसे एब्जॉर्ब कर देता है और वो पेंट के टॉप मोस्ट लेयर जो है क्लियर कोट उसमें डिजॉल्व कर जाते हैं। उसके बाद उसमें हमें बहुत सारा SRS का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, प्रॉपरली बताऊँ तो स्किन रिस्टोरेशन सिस्टम का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिससे उसकी पेंट से वो कलर हम छुड़ा सकें। PPF करने से पहले SRS होता है और SRS करने से पहले हम सारा क्ले प्रोसेस करते हैं गाड़ी पे। आपने ऐसे देखा होगा सर कि गाड़ी की बहुत ग्रैंड डिलीवरी हुई थी तो बहुत से डस्ट पार्टिकल रफनेस पैनल के जो क्लियर कोट है उस पर आ जाती है। तो बिफोर अप्लाइंग PPF हमको ना उस एरिया को बहुत यूनिफॉर्म और स्मूथ करना होता है, बिल्कुल मतलब स्लीक हो जाए, तो इसलिए हम क्ले प्रोसेस करते हैं। हमने कर लिया इस कार पे SRS कंप्लीट और SRS में हमने ये ध्यान में रखा है जितनी भी इम्परफेक्शंस है पेंट में उसे हम रेक्टिफाई करेंगे, जितने भी स्टेन्स थे जो डिलीवरी के टाइम पे हमें दिखे थे उन्हें हमने कर दिया रेक्टिफाई, शाइन जो है सारा रिस्टोर कर दिया है। और उसके बाद इस शाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम करने वाले हैं इस कार का PPF, और PPF करने से पहले हमें करनी है इस कार की फिटिंग्स ओपन। इस गाड़ी पर हम करने वाले हैं 220 माइक्रोन का PPF, जिसमें हम सबसे पहले पैनल की कर लेते हैं मेजरमेंट और PPF के बड़े रोल से हम सारे पैनल्स की एग्जैक्ट कटिंग कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है PPF लगाने में। और जिस पैनल पर हमें PPF लगानी होती है उसको एयर और IP सॉल्यूशन की मदद से अच्छे से फिर वॉश कर लेते हैं, ताकि उस पैनल पर एक भी डस्ट पार्टिकल ना बचाओ और हमारा PPF एप्लीकेशन होने के बाद उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना दिखे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पूरी गाड़ी पर PPF। We'll be right back.
मैं फाइनली वियतनाम से आ गया. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था. वैसे तो मेरी ट्रिप 11 दिनों की थी, लेकिन मैं 3 दिन में वापस आ गया. अब ये गाड़ी का ना ऑलमोस्ट PPF कंप्लीटेड है, क्योंकि हमारे पास ना कस्टमर क्लाइंट्स की गाड़ी बहुत सारी थी, तो इस गाड़ी को हमने होल्ड किया था, क्योंकि ये तो घर की गाड़ी है ना. क्लाइंट्स हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं हमारे लिए. और अभी देखो ये सारा ना PPF हो गया. जब इस पे ना अभी ग्रफीन करेंगे, तब आपको ना इसका जो विजिबल डिफरेंस है ना वो दिखेगा. इनफैक्ट कैमरे में ना वो डिफरेंस दिखता नहीं है. जैसे मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं ना, जब बे से डिलीवरी ले रहे होते हैं, कि भाई ऐसी तो गाड़ी मुझे शोरूम से भी नहीं मिली थी. एग्जैक्टली सेम चीज़ ना मेरे मुंह से भी निकलने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है ना कि क्या क्या. अब देखो इसके छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे ये पार्ट है ना, ये क्लैडिंग है. इस पे ना बहुत कम गाड़ियों में ना इतनी बड़ी क्लैडिंग रहती है, वो भी बॉडी कलर. नॉर्मली ना हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन ये बॉडी कलर में पेंटेड है, और इसका पेंट प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम इस क्लैडिंग पे भी PPF कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी क्लैडिंग हमने खोली थी, और इस क्लैडिंग पे भी PPF हो रहा है. प्लस इसका जो अपना साइड स्टेप है ना, उस पर भी हम PPF कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बॉडी कलर है. बहुत सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे आप सामने थार देखो, इस पे हम PPF नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल मेटल है, बट इस पे हम कर सकते हैं. तो जितने पार्ट्स हमें बॉडी कलर में दिख रहे हैं ना, उतने पार्ट्स को हम PPF कर रहे हैं. प्लस हम अपने क्लाइंट्स को भी ना एक एडिशनल सर्विस ऑफर करते हैं, कि वो अपने हेडलाइट में PPF करा सकते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना आपकी लाइट्स ना येलो पड़ के डल पड़ने लगती है. अगर आप अपनी लाइट पे PPF अप्लाई करवाते हो एज एन एडिशनल पैकेज, एज एन एडिशनल सर्विस, तो आपकी लाइट ना जो छोटे छोटे कंकड़ लगने से कभी कभी लाइट में क्रैक आता है, वो नहीं होगा. प्लस आपकी लाइट येलो नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी डैमेज है ना वो PPF पे आएगा. इन्वायरमेंटल डैमेज से हम गाड़ी को बचा सकते हैं PPF एप्लीकेशन से. और आपका PPF अगर अच्छा है, तो आपकी गाड़ी हमेशा नहीं लगती रहेगी. प्लस छोटी छोटी चीज़ें देखो, इसके ना जो फ्रंट ग्रिल है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो इसका जो ये पार्ट है ना, इस पे भी हम PPF कर रहे हैं. और जो भी पार्ट PPF जहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए वी विल बी डूइंग ग्रफीन. तो मैं इसमें जितने भी अपने इंटीरियर्स है ना, उस पर कोट करा रहा हूँ. प्लस जितने भी पैनल्स ऐसे हैं ना जिस पे PPF नहीं हुआ है, उस पर ग्रफीन कोट करा रहा हूँ. इससे ये होगा ना कि मेरी गाड़ी का जो ओवरऑल इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. आप आओ सामने मेरे. तो हम यहाँ पे नैनो ट्रिम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी हमारे प्लास्टिक पार्ट्स है ना, हार्ड प्लास्टिक, उनके लिए. जैसे ये सारे हार्ड प्लास्टिक है. अब क्या है ना कि इसको कोट करने से ना इस पर गंदगी नहीं जमेगी, कोई स्ट्रेन नहीं जमेगा, और ये हमेशा नया लगेगा. प्लस जो भी लेदर है ना, क्योंकि इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर्स ना लेदर है, तो लेदर के लिए जैसे ये सारा लेदर है ना, आपको आपने देखा होगा कि ये थोड़ा गंदा हो जाता है यूसेज के साथ, तो उसमें हम नैनो लेदर आर्मर यूज़ कर रहे हैं. तो ये इसको ना इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, और ये हाइड्रोफोबिसिटी देगा, हाइड्रोफोबिक रहेगा, कोई भी चीज़ चिपकेगा नहीं, प्लस ये साफ रहेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी गाड़ी का ना इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स दोनों का ख्याल रखें. प्लस यहाँ पे हम गाड़ी के टायर्स को भी क्लीन करके इस पे भी कोटिंग करेंगे, एंड अलॉयस पे भी कोटिंग करेंगे. प्लस जितने भी शीशे इसके हैं ना, उस पे मैं ग्रफीन कोट करा रहा हूँ. तो मैंने इसको बहुत पैम्पर करके ये किया है. हमारा जो ओवरऑल पैकेज होगा ना, वो थोड़ा सा इसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, बट वो कॉस्ट वर्थ स्पेंडिंग है. अगर आप भी अपनी गाड़ी में कुछ करा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो. PPF एप्लीकेशन के बाद हमने इसमें काफ़ी सारी जगह पे ग्रफीन कोटिंग की है. कुछ पार्ट्स जैसे कि ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे ग्रफीन किया हमने. ये क्रोम के कुछ पार्ट्स है जो फ्रंट में, इस पे ग्रफीन कोटिंग किया, जस्ट टू प्रिवेंट इट्स लस्टर. और यह हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जो है इस पे हमेशा बना रहे, इस पे जो हार्ड वाटर मार्क्स है वो सब ना आए. ये टोयोटा का जो फ्रंट लोगो है, इस पे भी हमने सेम वही ग्रफीन का कोटिंग किया है. जितने भी आप इसमें ये सारे क्रोम के पार्ट्स देख रहे हैं, इन सब पे ग्रफीन का ही कोटिंग हुआ है. सिमिलरली हमने अलॉयज पे भी ग्रफीन का ही कोट किया है, और सिमिलरली यहाँ पे भी यही क्रोम पार्ट, इस पे भी हमने सेम ग्रफीन का कोटिंग किया है. और हम मल्टीपल ऐसे ही हर कार में कर सकते हैं. इसमें हमने डोर हैंडल्स के क्रोम पे भी और डोर हैंडल्स पे भी ग्रफीन किया है. इसमें जो रूफ रेल है यहाँ पे भी ग्रफीन का ही कोटिंग हुआ है, एंड जो इसकी रेन वाइजर है इस पे भी ग्रफीन का कोटिंग हुआ है. सेम जितनी जगह आप देख रहे हो इस कार पे,
सब पे ग्रफीन का ही कोटिंग हुआ है। तो रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, इसमें हमने टेल लाइट्स पे जो है ग्रफीन कोट किया है। ड्यू टू इट्स शेप इस पे पीपीएफ नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने इसको ग्रफीन कोट किया है। जो छोटे छोटे लोगोज है इस पे भी हमने ग्रफीन की ही कोटिंग की है। सिमिलर वही क्रोम का जो है प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छे से होगा। जो इसमें हार्ड वाटर मार्क्स आते हैं क्रोम पे, उससे क्रोम इवेंचुअली डैमेज हो जाता है एक लॉन्गर रन में। कार पे पीपीएफ एप्लीकेशन और ग्रफीन कोटिंग के बाद ये रहे कार के कुछ फाइनल शॉट्स। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करो, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। प्लस अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से ये वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी अगर कोई भी गाड़ी है जिस पे हम काम कर सकते तो हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे उनकी गाड़ियों पे काम करने के लिए। बाकी कभी भी एक इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पूरी टीम होती है उसके पीछे जो वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। इनफैक्ट बचपन में भी हमें यही सिखाया जाता है, एक माचिस की तीली आप हाथ से तोड़ सकते हो, बट 10 एक साथ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारा इस चैनल का फेस तो मैं हूँ, बट ये सारा डेडिकेशन मेरी पूरी टीम की है। तो बिग थम्स अप टू माय टीम, बिग कुडोस टू माय टीम। बाकी ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा प्यार और देना। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।